स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में। तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। ये फल है स्वाद और शक्ति से भरा। बाजार में आया जंगल का मीठा फल। स्वाद ऐसा इंसान तो इंसान भालू भी है दीवाने। कोरबा जंगल में मिलने वाला तेंदू का फल जो एक प्राकृतिक फल है, इससे अनेक प्रकार के फायदे हैं। आदि काल से ऋषि मुनि जंगल में विचरण कर प्राकृतिक फलों से अपना जीवन यापन करते थे। इन दिनों बाजार में तेंदू फल की बिक्री हो रही है। ये फल ग्रामीण अंचल में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसकी बिक्री से अच्छी आमदनी भी हो जाती है। तेंदू फल जनवरी फरवरी से अप्रैल माह तक पाया जाता है। अभी पेड़ से फल काफी मात्रा में निकल रहे हैं। तेंदू पेड़ से फल और पत्तों का संग्रहण ग्रामीणों के लिए आय का स्रोत है। इस फल से दवाइयां भी बनाई जाती है जो विभिन्न प्रकार के रोगों के उपचार में उपयोग किया जाता है। बता दें कि तेंदू पेड़ की छाल के लेप त्वचा के लिए बहुत कारगर है। तेंदू पेड़ के फल, छाल, पत्ते और पेड़ से निकलने वाले गोंद का आयुर्वेदिक महत्व है। छाल का काढ़े से मुंह से संबंधित रोग के उपचार किया जाता है। पेड़ से निकलने वाले गोंद जिसे लाशा भी कहते हैं, यह आंखों की रोशनी के लिए उपयोगी है और मोतियाबिंद को ठीक करने के साथ आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। तेंदू फल के सेवन से शुगर कंट्रोल में रहता है। साथ ही तेंदू फल का सेवन करने से पेट संबंधित रोग भी नहीं होता है। तेंदू की खेती में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को अव्वल माना जाता है। इन दोनों राज्यों में इसे हरा सोना भी कहा जाता है। इस पत्ते का सबसे ज्यादा उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। पेड़ों से तेंदू पत्ता इकट्ठा करने के बाद इसे सुखाया जाता है। इसके बाद इसे स्टोर करते हैं। तेंदू पत्ते को एक जगह रखने के लिए सरकार की तरफ से संग्रहण केंद्र भी बनाए गए हैं।